सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर आपके सामने आते हैं, मिलने आते हैं आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च, जैसे कि बताया था मैंने आपको कि आज पाक सबत का दिन है और हम लोग चर्च जाते हैं। और अभी ये हमने सोचा है कि अभी हम चर्च के बाद आके तो देखें कि जो भी नेक्स्ट करेंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है जी, अभी ये सना भी तैयार है, खुश है, अनिल भी खुश है, सब लोग क्योंकि चर्च के लिए खुश होते हैं तो होना भी चाहिए ना हमें, क्योंकि सब कुछ हमें परमेश्वर की तरफ से मिला है तो उसी का धन्यवाद करते हैं। और चलो फिर हम आपसे मिलते हैं चर्च के बाद, तब तक के लिए बाय। गाइस देखो कितना प्यारा सीन है, हम पहुंच चुके हैं जी चर्च। चलो चलते हैं चर्च के अंदर। तो गाइस आज हमें मिले हैं चर्च से कुछ स्नैक्स, क्योंकि आज हमारे नए पास्टर का बर्थडे है। तो जी आज जबकि मैं खाती नहीं मिठा, ये कि नहीं खा रही, फिर भी आज पास्टर का बर्थडे है तो पास्टर के लिए हाँ मैं केक खा लूँगी, शायद गुलाब जामुन है, आई नॉट टेक दिस। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, कुछ स्पेशल होने वाला है। चेक करो बादल कितने बादल हो रहे हैं लिटरली, मतलब और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का मौसम थोड़ा ना ज़्यादा गर्म है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए, तो अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी सेक्टर 21 के फिश मार्केट। और आज की चर्च सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आमीन आमीन। तो अभी हम जाएंगे जी घर, और आप सबसे माफ़ी है हमने कल व्लॉग नहीं डाला। तो कल इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे। हाँ थोड़ा सा बिजी थे बाहर के काम में। तो आज का हम अपने संडे की फुल डे रूटीन आपसे शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, नहीं तो हम अच्छे से जो भी शूट करेंगे वो करेंगे जो आपको पसंद आए और आप अप्रिशिएट करें। तो गाइस चलो चलते हैं अपनी अगली मंजिल पे। हेलो गाइस, अभी हम यहाँ पे इन भैया के पास आए हैं जो कि नान बनाते हैं सेक्टर 21 में ही। हाँ जी भैया, अच्छा कैसे प्लेट है नान की? 40 रुपए प्लेट। अच्छा अच्छा, तो कब से कर रहे हो यहाँ पे काम? दो साल। दो साल से? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं भैया के नान कैसे, बढ़िया लग रहे हैं मुझे देखो नान। तो वैसे हम यहाँ पर आए थे 21 सेक्टर फिश लेने, तो हमारा प्रोग्राम बना, तो अब कहते हैं नान खाते पहले कहते भटूरे खाने, फिर मना कर दिया भटूरे का, तो थोड़ा हम सेहत का ध्यान रखते हैं काफ़ी। तो अब हम देखते हैं भैया अभी करेंगे देंगे हमें नान। तो ये हमारी गाड़ी लगी है सामने, ये देखिए यहाँ इस गाड़ी में बैठे हम आराम से खाएँगे। आज मौसम थोड़ा दिखा दो, बाहर का मौसम आज मौसम थोड़ा ठीक है, आसमान बादल छाए हुए हैं कम, कल के मुकाबले आज गर्मी कम है, अच्छी बात है, बारिश की उम्मीद है हल्की सी, देखते हैं। बाकी ये देखिए चंडीगढ़ का व्यू, ये देखो ये सामने मार्केट है, सामने एसेसरीज वगैरह मिलती हैं यहाँ पे, ये देखिए पार्किंग एरिया है, और सामने गन्ने का जूस, और ये देखिए बस लगी हुई है यहाँ पे, प्राइवेट बस है भी। ये देखिए और वो सामने बिल्कुल स्कूटर मार्केट है, वो बिल्कुल सामने ये काफ़ी पुरानी मार्केट है यहाँ पे। और अभी आपको भैया जी के पास देख सकता हूँ, बाकी इनसे मिलते हैं खाने के बाद, मिलते हैं अगर खाके बताएंगे इनका कैसा लगा, अच्छे लगा और देखते हैं, वेट करते हैं, फिर बाद मिलते हैं आपको। आँख में धुआं लग रहा है, कोई बात नहीं।
ये देखो इन्होंने प्लेट तैयार कर दी है नान की। ये देखिए ये इनके कंपार्टमेंट है यहाँ पे, एक में क्या डाला चटनी डाली है, एक में चने और कड़ी और दो नान दिए हैं और बटर और सैलड। लड़का लेकर जा रहा है, टोटल तीन प्लेट हैं। ये इनका तंदूर के देखो आपको नज़र आ रही है आग, देखो खाने जा रहे हैं जी नान। नान छोले कहते हैं ना से, अमृतसरी नान छोले जो कि मेरे को बड़ी पसंद है। आज संडे है तो चीट मिल बनता है तो भी खाते हैं, और फिर गाइस आपसे मैं बहुत खाने के तुरंत मिलती हूँ। तो गाइस ये पुरानी बुक शॉप, मतलब यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी है ना, बहुत सारी सेकंड हैंड अच्छी क्वालिटी। जी 11 सेक्टर की तरफ और हम जा रहे हैं जी वापस घर, क्योंकि घर पे इलेक्ट्रिशियन ने आना है तो इसीलिए हम टाइमली घर जा रहे हैं। देखिए तो ऐसे है कि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी शाम की रूटीन, कि आज हमारी शाम की रूटीन क्या है। तो सबसे पहले ठीक है जी, तो हमारी बनने जा रही है आज फिश। ये है फिश, ये शायद सिंघाड़ा बोलते हैं इसको, हाँ ये सिंघाड़ा है फिश। ये कोई 400 450 रुपए किलो है ऐसे। तो इट्स नियर वुड पौनी, मतलब कहना है एक किलो से थोड़ी सी कम है, ठीक है एग्जैक्टली मुझे बताना नहीं आ रहा। दो प्याज है और ये तीन टमाटर है और ये थोड़ा सा मतलब इतना सा लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है और भी इन्हेंस हो जाएगा। और ये जो फैटी फिश होती है ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें गुड फैट होती है, तो ये हमारे HDL को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करती है और हमारे जो LDL है उसको कम करती है, यानी कि कुल मिला के ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी ऑयल जा रहा है बीच में इसके और उसके बाद हम क्या करेंगे, होते हैं मेथी के दाने, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और फिश में बहुत अच्छी खुशबू देते हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो हम एक चम्मच के करीब, छोटा टीस्पून के करीब इसमें ये डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा मसल लो और ऐसे कर लो, अगर थोड़ी बहुत क्रीम डस्ट वस्ट होगी वो निकल जाएगी इसमें से। तो अभी ये तो कढ़ाई गर्म ही थी, ऑयल गर्म हो गया होगा ऑफकोर्स, तो अभी हम इसमें डाल के थोड़े से देखते हैं मेथी डाल से पकने। देखो एक साउंड आप लोगों को आ रही होगी और खुशबू आ रही है हमें। थोड़ा हिला लेंगे, उसके बाद में ले जाएंगे इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था हमने आर्टिफिशियल, तो अभी हम इसे थोड़ा पकने तक हिला के लेंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए। अब ऐसे कि जो होते हैं ये हम फिश चावल अच्छे लगते हैं, चावल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो यूजुअली हम लोग ब्राउन राइस खाते हैं बट आई थिंक हमारे ब्राउन राइस इनफ नहीं है, तो हम थोड़े से इन स्मॉल क्वांटिटी बनाएंगे व्हाइट राइस। और व्हाइट राइस इसलिए कि हम कम बनाएंगे कम खाएंगे,
और रात को तो वैसे भी ज्यादा खाना चाहिए। और ये हमारा पकड़ा है, तो उसके बाद चलो हम इसको धोम करके धोते हैं। प्याज लहसुन अदरक का सारा जो है ये ब्राउन हो गया थोड़ा, तो इसलिए अभी टाइम है इसमें हम ये टमाटर डाल दें। बड़ा खुशबू और बड़ा अच्छा कलर दिख रहा है इसमें अभी हमें ना। हाँ, जब तक ये टमाटर प्याज का जो है ये सारा भुना हो जाए अच्छी तरह जाए। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ये था, हम ये पानी भी डाल दें क्योंकि इसमें भी लहसुन अदरक था और कुछ भी हमें वेस्ट करना पसंद नहीं है। देंगे लो फ्लेम पर, अब ये पकता रहेगा, मतलब पकता रहेगा ये मिर्चों से कि जो टमाटर। तो गैस अभी टाइम है कि हम इसमें मसाले डाल दें, तो मसाले में क्या गैस अभी नमक नहीं मैं डालूंगी क्योंकि नमक मैंने पहले डाल दिया था जब मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीसा था। तो अभी जाएगी इसमें हल्दी, लाल मिर्च, तो ये लाल मिर्च और ये सब ना आपके टेस्ट पे डिपेंड करती। अभी इसमें ये धनिया पाउडर, ठीक है जी। और उसके बाद जाएगा इसमें खास जो हमारा मसाला है मैजिक, ठीक है। ये है मैगी मसाला और ऐसे होकर मैगी मसाला, और ये अब जा रहा है इसमें, ठीक है जी। अभी आ जाती है ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बहुत ही अच्छा प्यारा रंग देती है खाने को। और खाना देखो पहले आंखों से फिर मुंह से खाया जाता है क्योंकि आंखें देखती हैं तो उनको पता चलता है कि कितना टेस्टी है ये खाना, तो इसको बोलते हैं एपिटाइजिंग फूड, तो फूड शुड बी एपिटाइजिंग, ठीक है। सो व्यूअर्स गाइस ये अभी टाइम है कि मैं इसमें फिश डालूं, और इसको मैं मुझे ऐसे नहीं फालतू में टूटती भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि ऐसी फिश तो है नहीं बेचारी अच्छी खासी है, बहुत ही देखने में ही इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि अगर आपको इसको भी बोलो देखो तो आपको पता चलेगा, ये अगर आपको इसमें पता चल रहा है तो इट्स गुड। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह सबको मसाले में मिला दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कि फिश बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। अभी देखो ये कितनी आराम से टूट रही है, और ऐसे भी नहीं है कि ये टूट गई है, वैसे ऐसे भी नहीं है, इसमें ये बहुत ही अच्छी बनी है, पूरे पूरे पीसेस हैं इसके। जी रेडी, तो गाइस यहाँ फाइनली खाना बन चुका है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं फिश और राइस का क्या बहुत। तो अभी आप देख सकते हैं, लुक भी देख सकते हो जी खाने की बहुत अच्छी है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। वाओ, तो गाइस अभी हम से मुंह में घूम रही है बच्ची, इतनी ज़्यादा अच्छी। चलो प्रेज जीसस, खुदा हमें अच्छा खाना देता है, खुदा का धन्यवाद हो। Mm-hmm.